नमस्कार दोस्तों, आज जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान कि भगवान हनुमान का जन्म किस प्रकार हुआ और उनके जन्म के पीछे क्या रहस्य था। कहते हैं भगवान हनुमान अंजना और केशरी नंदन के पुत्र हैं, जो कि एक पर्वतगिरी के राजा थे। माता अंजना भगवान ब्रह्मा के कोर्ट में एक अप्सरा थी। कहा जाता है कि वह उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वह जिस समय उन्हें किसी से प्रेम होगा तो वह उसी वक्त बंदरिया बन जाएगी, और उन्हें ये श्राप मंजूर करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ही एक बंदर को तपस्या करते हुए कुछ फल फेंक कर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और वह अगले जन्म में ऋषि मुनि बने। और ऋषि मुनि बनने के बाद ये श्राप उन्होंने अंजना को दिया था, और इसके कारण जब उन्हें किसी से प्रेम हुआ तो वह एक बंदरिया के रूप में सामने आई। अंजना ने उस कार्य के लिए क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद भी ऋषि मुनि ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा तुम बंदरिया तो बन जाओगे, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा वह भगवान शिव का ही रूप होगा। अंजना इस बात से दुखी हुई और वह जंगलों में चली गई, जहाँ पर उन्हें केसरी से मुलाकात हुई। तो केसरी ने उनसे विवाह करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं बंदरिया हूँ, मुझे क्योंकि श्राप मिला है। तो केसरी ने उन्हें बताया कि वह भी बंदरों के ही राजा हैं। उनके पास ऐसा मुख था कि वह मानव से बंदर और बंदर से मानव बन सकते थे। तो उन्होंने ये बात जानकर उनसे विवाह करने के लिए हाँ कर दी, और उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान शिव से पुत्र मांगा। तो भगवान शिव ने अपने समान ही पुत्र देने के लिए तथास्तु कहा। उसी और राजा दशरथ ने पुत्र कामेश्वर के लिए एक हवन यज्ञ करवाया जिससे वह पुत्र की प्राप्ति कर सके, और भगवान अग्नि देवता खुश होकर उन्हें पुत्र के लिए हलवा प्रदान किया जो कटोरी में था। उन्होंने कहा आप अपनी रानियों को ये खिला दीजिएगा। कटोरी का हलवा राजा दशरथ की पहली पत्नी बड़ी पत्नी को पतंग के द्वारा भेजा गया। जिस बीच रास्ते में अंजना भी प्रार्थना कर रही थी तो उनकी कटोरी में जाकर हलवा गिर गया, तो माता अंजना ने भी वह ग्रहण कर लिया। इसी गर्भ में भगवान शिव की ही अवतार बास कर गए। इसके पश्चात भगवान हनुमान का जन्म हुआ। भगवान हनुमान को वायुपुत्र इसलिए कहा जाता है, माता अंजना की कटोरी में हवा के द्वारा ही वह हलवा गिरा था, जिस कारण वह गर्भवती हुई थी, इसीलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। उनके बारे में हमने रामायण में भी सुनाई है। तो ये है भगवान हनुमान के जन्म की रहस्य की कहानी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।